I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज आपको बहुत खूबसूरत सी जगह लेके जाने वाली हूँ। मैंने सोचा चलो क्यों ना अब की बार होली की छुट्टियों में हम थोड़ा टाइम अपने फार्म पे बिताएं। और फार्म है ऑफ ग्रिड कोटपुतली। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट हाफवे थ्रू फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर एंड इट टेक्स अस अबाउट 2 hours टू रीच देयर। सो अ स्नीक अ पीप इन टू द फार्म एंड द लाइफ एट फार्म एंड वॉट ऑल डू वी इंजॉय डूइंग एट फार्म। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मिलवाने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलें शुरू करें अपनी जर्नी। अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर। शनिदेव जी का मंदिर, सबसे पहले मूर्ति स्थापना शनिदेव की हुई थी और उसके बाद हमने हनुमान मंदिर की स्थापना की और फिर ये शिव परिवार। तो अब धीरे धीरे इसको और बेटर बनाते जाएंगे और कोशिश होगी कि इसका पूरा बहुत और अच्छे से किया जाए। तो जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, वैसे वैसे वील ट्राई एंड मेक इट अ बिगर एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड अध्यात्म भी हुआ करेगा और बहुत सारी डिस्कशंस एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। लेट्स सी अगर भंडारा स्टार्ट हो एज अर्ली एज पॉसिबल, ईश्वर की कृपा होगी तो जल्दी शुरू करेंगे। दिस इज द किचन गार्डन, सो यू कैन सी सम वेजिटेबल्स। मुझे प्याज नज़र आ रहा है, लहसुन नज़र आ रहा है, कासनी नज़र आ रही है, गाजर नज़र आ रही है, बैंगन के पौधे हैं उधर और पालक। ये सब चीज़ें हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्री, आई डोंट नो बेटा, सुंदर सा कोई फ्रूट लगा हुआ है। कौन सा ट्री है ये? लेट मी हैव अ लुक एट इट। ओह माय गॉड, दिस इज़ शहतूत। उफ, येट टू सी। Laden with so much fruit, amazing. This is amazing, divine. यार भगवान जी आपकी रचना। And look at them, किसी ने खाया ही नहीं है। शायद मैं होती तो पूरा खा जाती। शायद इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, इनके लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ है। It's फुल ऑफ फ्रूट, मतलब जगह भी नहीं है, इंच भर भी भरा पड़ा है। इट्स ब्यूटिफुल। सो जी, ये है हमारा इमली का दरख्त बूटा, इमली का बूटा, बेरी का पेड़। एंड एक सरप्राइज डिस्कवरी, देर आर प्लेंटी ऑफ देम। वाह, शाम को खाएंगे इमली, अमेजिंग। लो जी, ये है अंजीर का पेड़। दिस इज अमेजिंग, इट इज़ फुल ऑफ अंजीर। माय गॉड, अमेजिंग। छोटा सा पौधा है अभी, इट इज़ नॉट वेरी बिग। इट्स अमेजिंगली फुल ऑफ अंजीर। भगवान जी की रचना भी ना, अपरंपार, मज़ेदार, ब्यूटिफुल। थैंक यू गॉड for these blessings, priceless they are actually. आंवले भी हैं, हालांकि
सीज़न ख़त्म हो चुका है हम लोग का, मार्च अप्रैल आ गया भाई, बट स्टिल थोड़े बहुत लगे हुए हैं अभी भी। सो जी ये है हमारा खेत एंड द वीट क्रॉप इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड। सो दिस इज़ वन साइड ऑफ दिस फार्म एंड इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा जो मेरी आँखें इसको देख के और अपने अंदर संजो रही हैं। दैट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल। हैट्स ऑफ टू द फार्मर, हैट्स ऑफ टू देम। हम लोगों को तो शहरों में एहसास ही नहीं होता कि कितनी जद्दोजहद लगती है। हम तो सिर्फ एक 5 किलो की थैली या 10 किलो की थैली फटाक से ख़रीद के ले आते हैं और उस आटे को हमारे तक पहुंचने के लिए राइट फ्रॉम सोइंग टू टेकिंग केयर एंड देन हार्वेस्टिंग एंड देन विनोइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द वीट रीचिंग आर टेबल एज द वीट फ्लोर, इट्स टीडियस। ये देखो सच में हाथ भी लगा रही हूँ तो भी मैं बहुत डरते डरते हाथ लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इट्स प्रिकी, इट्स लाइक सच में हाथ छिल जाए और कट जाए एंड स्टिल दीज पीपल डू इट एवरी डे। माई सैल्यूटेशंस टू ऑल द फार्मर्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, गॉड ब्लेस देम। तो शॉवर टाइम फॉर देम, नहाना टाइम फॉर देम। मिस्टर संजय कौशिक जी लगे हुए हैं। वाओ वाओ क्या बात है, सेवा और ये सेवा। मियाओ मियाओ क्या बात है, माय गॉड लुक एट देम, दे आर थरली एंजॉयिंग। सो दिस इज द पापा इमो, दैट इज मम्मा इमो एंड दोज आर स्मॉल बेबीज। ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये हमारे छोटे छोटे 6 बच्चे हैं। वाह जी वाह, ओ दिस इज स्मेलिंग लाइक हेवन, ब्यूटिफुल। गीली मिट्टी की खुशबू का कोई मुकाबला नहीं। द फाइट फॉर द लास्ट बट मैं खाऊंगी। चॉकलेट। चलो जी अब आपको और बाकी जगहों की सैर कराई जाए। सो जी दीज आर द काउज, दिस इज द फर्स्ट काउ विच केम टू आवर फैमिली। कितने साल हो गए इसको? 8 साल। तो 8 साल से है, अब ये मिल्क नहीं देती है बट प्यार देती है, प्यार लेती है एंड शी इज इक्वली फॉन्ड ऑफ संजय एज मच एज ही इज फॉन्ड ऑफ हर। इसके साथ साथ में और ब्रिगेड भी है, देखो कितने प्यार से हाथ फिरवा रही है, कितना प्यार करा रही है एंड आई एम सो स्केर्ड ऑफ कमिंग क्लोजर। So this is the fodder for the cows. It's all mixed together and that's it. And during the day I think the cows are tied here. And ye caretaker, the family of caretakers, they stay here. So, and the ones who take care of the entire farm, they're here. And ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ चुंदर चुंदर, इनको पेन तो ज़रूर हुआ होगा कानों में, किसी ने टैगिंग की है या पता नहीं गवर्नमेंट का है या क्या है, बट स्टिल आई एम श्योर किसी और के करें तो पेनफुल तो होगा। सो दैट इज़ इट, फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन सी उधर दैट इज़ द फार्म हाउस।